इंडस्ट्रियल के एनालिसिस कर दें। शाजिब मेमन कह रहे हैं सर कोशिश पूरी करता हूँ कि इंडस्ट्रियल के एनालिसिस भी जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाए आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो है वो ट्रेडिंग खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रेडिंग का माहौल ऐसा बना हुआ है कि फुल टाइम इंजॉयमेंट टाइप। तो अच्छा जी, राना मोहम्मद सोहेल का सर क्या स्तर पर जाएगी 2021 में? सर सुनने में तो ये आ रहा है, वैसे खबरों की बात करूँ, नॉट इट्स नॉट एनालिसिस, सुनने में तो खबरों में तो ये आ रहा है कि मार्केट हिस्ट्री हाई लगाने लगी है। पता नहीं, पिछले दिनों कोई दोस्त बात कर रहे थे कि नया हिस्ट्री हाई अमेंड होने लगा है 2021 के अंदर। अब ये अल्लाह जानता है कि मार्केट जो है वो कहाँ जाने वाली है, क्योंकि हमें तो अगले 500 पॉइंट्स का नहीं पता होता कि मार्केट अगले 500 पॉइंट्स के अंदर क्या मूव लेने वाली है। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब जो हैं सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया वीडिया पे भी, और पिछले दिनों मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट आए हुए थे तो वो भी मुझे कुछ इस तरह की ही बात कर रहे थे कि सर मार्केट जो है वो नया हाई पोस्ट करने जा रही है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की खबर है कि लोग कम अज़ कम कमाएँगे। तो अभी ये आपके सामने वैसे चार्ट भी क्या सी 100 इंडेक्स का ही लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से अन्य वाह एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सी 100 जो है वो कहाँ जाएगा। अली अफजा ने ज्वाइन किया है, कह रहे हैं नेट सोल का बता दें। ज़रूर कोशिश करते हैं कि जी आपको नेट सोल का भी बता दें। और एक चीज़ मुझे याद आ गई, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी लाइव हैं साथ ही, तो वहाँ की चैट को भी साथ खोल लेते हैं ताकि हम बवक्त ज़रूरत उसको भी, अगर कोई वहाँ क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, तो उसको रिप्लाई कर सकें। ये अच्छी चीज़ हो जाएगी ना। चलो अब मुझे ये नहीं पता चला कि मैंने उसको खोलना कैसे था और खोल कैसे लिया। बहरहाल गुरबत के तकाजे हैं सारे के सारे कि बंदे को ना पता हो तो बंदा एवं ही बड़ा साइंसदान बनते बनते जो है वो पिछली अपनी सारी साइंस भी गवा बैठता है। बहरहाल कोशिश कर कर आके हम जो है पहुंच गए हैं लाइव यूट्यूब पे भी। आई होप सो आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं होगी, कोई अड़न उड़न तो नहीं है। जब अड़न उड़न हो तो बताइएगा, यूट्यूब से बंद कर देंगे। ओके गाइस, अगर हम इंडेक्स के हवाले से पूछा है, राणा सोहेल ने कह रहे हैं कि जी इस 2021 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। राइट नाउ अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो आई एम लाइव, तो अगर हम राइट नाउ इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स जो है इसने रिसेंटली जो अपना ये ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मेंटेन किया, या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो इसने अपना ट्रेंड बनाया है वो कुछ इस तरह से था कि इसने अपने जो डिसेंडिंग वेज थी उसका ब्रेकआउट दिया अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और उस ब्रेकआउट के बाद ये जो है ये जो एक रेड लाइन और ग्रीन लाइन जो है ये आपको एक इसकी डिसेंडिंग वेज टाइप नज़र आ रही है। इसका ब्रेकआउट देने के बाद मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो ओवरऑल जो है ये इस ब्रेक वेज के ब्रेकआउट के बाद इसने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो चलना शुरू कर दिया। अब जब इस वेज का ब्रेकआउट हुआ, ओवरऑल अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आएगी चीज़, वो चले हम एक आसान सी चीज़ इस तरह से बना लेते हैं। तो ये जो लोग इसके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हेड एंड शोल्डर टाइप बनने वाला है, सर मेटास्टॉक का डाटा कैसे बनाते हैं कैंडली वो बता दें। nurmai.net पे पड़ा हुआ है, डेली का जाकर डाउनलोड कर लिया करें। अच्छा 409 495 कह रहे हैं कि जी EPQL का बता दें और रिफर्ड का। जी ज़रूर कोशिश करता हूँ, हसब तौफीक हसब इस्तेताद के उसके बारे में बता दूँ। ज़रा थोड़ा सा इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल इंडेक्स की क्या सूरत हाल है। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये बेसिकली एक प्योरली ट्रायंगल बनी हुई थी, और इस ट्रायंगल को ब्रेक करके इसने एक्सटेंड किया। अब अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट मजीद करते हैं, राणा शाह साहब कर रहे हैं डॉल का बता दें। जी ज़रूर कोशिश करूंगा कि डॉल का बता दूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, क्वेश्चन इस तरह मिस हो जाएंगे मुझे वहाँ तक पहुँच लेने दें तो फिर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सवाल के जवाब मैं ज़्यादा ईजीली दे सकूँगा। सो अगर हम इसको, मैंने किसको चलाना था और किसको चला लिया, ठीक है लाइंस जो हैं बरल उनको उठा लेते हैं। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को, जो ये सपोर्टिव लाइन है क्योंकि ट्रेंड उस ट्रायंगल की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट लाइन ब्रेक हुई हुई है, इसी को अगर हम ब्रेक करके एक मेजर रेजिस्टेंट टाइप रीजन के ऊपर रखें तो यहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, जो कि 41,500-46,000 का रीजन था, वहाँ अभी ये इनिशियल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन अगर इसके पास तगड़ी रेजिस्टेंस की इंडेक्स के पास बात करें तो इंडेक्स के पास तगड़ी रेजिस्टेंस जो है वो कुछ इस रीजन में फॉल करती है।
जो कि यहाँ पे मे बी प्रीवियस जो 42-800 वाला हाई है मे बी की बात कर रहा हूँ उसको एक्सटेंड करके लगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी डायरेक्शन थोड़ी डेली चार्ट के ऊपर चेंज करनी शुरू कर दी है। अगर ये अपनी जो है डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली उसका नुकसान ये होगा कि इंडेक्स कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर उस तरह से। तो इस वक्त इनिशियल रेजिस्टेंस 41,500 और स्कैंडल रेजिस्टेंस जो है वो 42,500 और 42,860 के रीजन्स जो हैं सर, कभी कभी वहाँ लेट पोस्ट होता है इसलिए रिक्वेस्ट है। अच्छा वो बता दूँ यार, उसकी वीडियो लगा दूँगा, बनी बनाई वीडियो है यूट्यूब के ऊपर ना, चैनल पर जाएँ उसमें अनलिस्टेड एक वीडियो पड़ी हुई है, उसका डाटा कैसे बनाना है कैसे उसमें इंपोर्ट करना है वो पूरी 45 मिनट की वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। नूर मायर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे वहाँ पर आप सबको मिल जाएगी। ओके तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं ये डेली चार्ट के अंदर रिवर्सल पैटर्न थोड़ा थोड़ा शो करना शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कल उठते ही शॉर्ट सेल मार दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है वो बीरस चली जाएगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ कि मार्केट के पास आगे रेजिस्टेंट रीजन्स जो हैं वो इसके बहुत करीब करीब आ रहे हैं। उसके साथ अगर इसको मोमेंटम इंडिकेटर्स के ऊपर देखते हैं कि ओवरऑल इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें क्या सुझाव दे रहे हैं, तो हम इसको आर्ली चार्ट के ऊपर देखें तो आर्ली चार्ट के ऊपर तो मोमेंटम इंडिकेटर्स ने बिल्कुल ही वो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की हुई है। उसकी वजह यह है कि जो है प्राइसेस के साथ साथ एमएसईडी ने भी हाई पोस्ट करना छोड़ दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में मोमेंटम जो बुलिश मोमेंटम है वो लूज़ हो रहा है। अब उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पर जाते हैं, क्योंकि और मोमेंटम लूज़ किस जगह पर हो रहा है, जहाँ पर इसका चैनल जो है वो पूरा होता था, प्रीवियस ट्रायंगल की एक्सपेंशन जो है वो पूरी होती थी, तो वहाँ जाके इसने इसको अपनी जो मोमेंटम है उसको कंप्लीट लूज़ करना शुरू किया है। बट मैंने पहले एक चीज़ कही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कल से इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग मारना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट अभी स्टिल बुलिश सेंटिमेंट के अंदर है और मार्केट जो है क्या नाम है इसका, काफ़ी एक बुलिश साइड में स्पाइक ले सकती है अगर ये प्रीवियस हाई को अमेंड करती है, तो क्योंकि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंट रीजन था तो यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम चाहिए इसके ब्रेकआउट के लिए। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता है डेली चार्ट के ऊपर, तो उस वक्त तक थोड़ा सा जो है वो केयरफुल रहने की ज़रूरत है उसके। और ओवरऑल अगर सपोर्टिव रीजन को देखें, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमने लोग लाइव आए थे तो कुछ दोस्त थे जो कि इसके अंदर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का जिक्र कर रहे थे जी। अच्छा नहीं का बता दें सर, कोशिश करता हूँ बता देता हूँ आपको जी। SNGP के लिए भी ज़रूर स्ट्रगल करता हूँ कि आपको SNGP का भी बता दूँ। जो सवालात आएंगे मेरी पूरी कोशिश होगी सबको जो है वो एंटरटेन किया जाए और सब सवालात के जो है वो जवाब आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए। अच्छा अब अगर हम आने वाले दिनों के अंदर बात करते हैं, अगर मार्केट में, क्योंकि बुलिश में क्यों कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पुश मिलता भी है तो उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रायंगल ब्रेक हुई हुई है इसकी जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो इसको सपोर्ट करेगी और वापस पुश करने की एक बार स्ट्रगल जो है वो ज़रूर करेगी। मीनवाइल उसी रीजन के अंदर मार्केट के पास एक तगड़ा सपोर्टिव रीजन भी खड़ा होगा, जब ये लाइन रिटेस्ट हो रही होगी तो उसके नीचे उससे पहले जो है वो एक तगड़ी जो सपोर्टिव लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी खड़ी होगी। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रह के ओवरऑल जब तक मार्केट एक क्लियर इंडिकेशन नहीं देती, क्रॉसओवर जनरेट नहीं करती मोमेंटम इंडिकेटर्स के ऊपर डेली चार्ट में, तो उस वक्त तक केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे अगर स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करूँ तो ओवरऑल जब तक मार्केट 41,500 से नीचे डेली क्लोजिंग नहीं करती तब तक मार्केट बुलिश है। 41,500 से नीचे क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। ओके उसके बाद आ गया जी GHNI का बता दें जी जनाब, कोशिश करते हैं। GHNI से पहले हमारे पास नेटसोल था, डॉल था और एक दो और आइटम्स थी। सर काइंडली मुझे भी रिप्लाई दे दें व्हाट्सएप पर, आपकी टीम इग्नोर किए जा जी। मैं ज़रूर इंशाल्लाह नसीम अभी थोड़ी देर के अंदर ही आपको रिप्लाई कर देता हूँ। माजरत अगर टीम इग्नोर कर रही है, लेट मी चेक, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करता हूँ बहुत माजरत के साथ। ICI था हमारे पास, डॉल था और नेटसोल है। ओके जी तो फिलहाल हम नेटसोल को थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि ओवरऑल नेटसोल साहब क्या करें। मैं किसी ऐसे चार्ट में चलता हूँ जहाँ से जाकर मेरी सेटिंग ना खराब हो बाकी चीज़ों की। कहते हैं ना लाइनें भी तो महंगी होती हैं, बंदे की लगाई हुई लाइनें ख़राब होना शुरू हो जाए तो बंदा वैसे ही अंधाधुंध सा टाइप फील करता है। सो
यहीं पे लगा लेते हैं इसी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास नेटसोल का सवाल आया था कि नेटसोल के हवाले से बता दें। नेटसोल की जब लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी आई थिंक सो मैंने इसके बारे में एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि 78 से लेके 81 का रीजन आई थिंक सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये रीजन इसके पास रेजिस्टेंट रीजन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। और उसने आई थिंक सो 78 या 79 के पास से ही कोई एक बार कोरेक्शन ली थी नीचे और फिर वापस रिकवर करना शुरू कर दिया था। ओवरऑल अगर देखें तो ये भाई साहब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी, तो ये भाई साहब अपनी इलियट को कंप्लीट करने के बाद डेली चार्ट के ऊपर जो है एक नई इलियट वेव शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये प्रीवियस इलियट को अपनी को जो पूरी इलियट थी उसको फर्स्ट प्राइमरी वेव बनाएंगे। और जो ए बी सी थी गोल्ड का भी बता देता हूँ सर, सॉरी शहजाद मेहमान साहब मैं ज़रूर एस टी एल का भी बता देता हूँ, सॉरी आप मैं कमेंट भूल गया था। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो आप इसको सिंपली देखना चाहते हैं, बट कोई लंबी चौड़ी इसके ऊपर आप बहस नहीं करना चाहते, आई थिंक सो इसको क्या हुआ है मेरे इस मशीन को, इधर चले बड़ी मशीन पे बड़ी साइंस लाइक है, ये क्या बताइए मशीन डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गई है। आप लोगों के पास भी लगता है डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, यस इट्स गुड। वैसे कमाल की बात है कि आई एम डिस्कनेक्टेड, आई थिंक सो हम वापस आ चुके हैं। तो जो टेक्निकल इशू आ रहा है फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे इकट्ठा लाइव जाने की वजह से, वो हमारा कुछ ना कुछ जो है वो रिजॉल्व हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ स्पीड जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर ज़्यादा इशू होना शुरू हो जाए तो बता दीजिएगा, हम उसको जो है वो थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो मैं आपके सामने लाइंस लगा रहा होता हूँ, समटाइम्स आप लोगों के पास जब आप आते हैं तो आप लोगों के पास ए एस सी टारगेट प्राइस बाय दिसंबर, और क्या कमाल का कमेंट आया है यूट्यूब पे, इसलिए मैं वहां पे लाइव जाने से जो है ना गुरेज करता हूँ। बहरहाल छोड़ें इस बात को। सो अगर हम इसकी ओवरऑल बात करते हैं तो ये अपनी प्रीवियस जो करेक्शन थी उसके एक्सपेंशन करने के मूड में, और एक्सपेंशन जो है इसकी जहाँ पे कंप्लीट हो वहाँ आप अपनी लाइन लगा लें, वो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन लेवल उसका जो है वो नेक्स्ट डिसाइड कर देगी। आने वाले दिनों के अंदर अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस रीजन आपको यहाँ से नेट सोल का निकाल के देता हूँ, सॉरी इसको वीकली चार्ट करना था, तो अगर इसका ओवरऑल एक व्यू बनाने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म वाला तो उसका कुछ व्यू इस तरह से बनेगा। ये एक चैनल ड्रा कर लें, ट्रेंड लाइन जो है उसको मैं वैसे ऐसे ही चैनल ड्रा करता होता हूँ, तो इसलिए मैं इसी वे में बताऊंगा, आप लोग अपनी मर्जी से चैनल ड्रा कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था सॉरी डाटा की, कि अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन आपकी इस जगह पर जिस तरह मैं बिठा रहा होता हूँ ऐसे ना बैठे तो आपको अपना डाटा चेक करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं एडजस्टेड डाटा के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो अनएडजस्टेड डाटा जो है वो समटाइम्स उसकी लाइंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से लगती हैं और डिफरेंट वे में लगती हैं। हद हो गई है यार, उल्लू का पट्ठा ना बन इंसान का बच्चा बन। क्योंकि 50% करेक्शन के बाद आज लगता है मुझे दोनों तरफ से वो लाइव जाना जो है ना वो पंजाबी के अंदर स्टॉप आ गया, तो उसकी वजह से सिस्टम भी स्टक हो रहा है और जो चीज़ें हैं लाइव भी हमारा बार बार रुक रहा है। बहरहाल इसको पकड़ के ऐसा कर लेते हैं, ठीक
ठीक है, एक रेजिस्टेंस स्लाइड से रेजिस्टेंस 102 से 103 के रीजन के अंदर पहुंची हुई है, जहां पे ये इसको थोड़ा मेजर धक्का लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें राइट नाउ। आने वाले दिनों के अंदर मजीद एक्सटेंड कर सकता है, अगर छोटी सी करेक्शन ले लेता है और करेक्शन के बाद एक्सटेंड करना शुरू करता है तो फिर इसके लिए बहुत अच्छा जो है वो आगे मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी अगर ये करेक्शन लेता है तो इसके लिए एक हेल्दी करेक्शन जो है वो कंसिडर की जाएगी। ओवरऑल इस जब तक ये भाई साहब जो हैं इस वाले रीजन से ऊपर हैं, ये भाई रीजन क्या निकल रहा है, दैट इज़ 92-93, तो ये बुलिश है। 92-93 से अगर वापस, क्योंकि जब ये करेक्शन भी लेने आता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इलियट के असूल के मुताबिक अगर ये करेक्शन लेने आता है तो इसको नीचे से रखना नहीं चाहिए, 82 से नीचे नहीं अब उतरना चाहिए। 82 से अगर नीचे उतरेगा तो फिर जाहिर सी बात है इसके लिए थोड़ा मोमेंटम मेंटेन रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ASTL की, यार एक एक पे इतना देर लगेगी तो फिर तो हम कर बैठे आबादी। बहरहाल अभी अभी चलते हैं और अब वो कहते हैं पंजाबी में लाइनें लगा देते हैं। अच्छा जी, ASTL जो स्टिल बुलिश है क्योंकि उसने अपना जो बीरश वेज थी या डिसेंडिंग वेज थी उसका ब्रेकआउट किया हुआ है, और इस ब्रेकआउट के बाद इस भाई साहब की जो है मोमेंटम अच्छा खासा, तेरी मेहरबानी मान लो, मेरा वो सॉफ्टवेयर नहीं मेरे साथ दे रहा जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, और ये मैं लाइन में उसको रखता हूँ। लेट मी ट्राई, यार अगर मेरा वो सॉफ्टवेयर चल जाए भाई तेरी मेहरबानी, कम से कम लव कहते हैं ना लाइनें तो अच्छी लगेंगी ना। ऑल इन वन सर PRL जी, मैं ज़रूर बता देता हूँ, सिर्फ मुझे ये सिस्टम चीज़ें जो हैं वो सीधी कर लेना है। ओके जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा ये तो AIL खुला हुआ है, MRL अमरेली स्टील, तो अमरेली स्टील के हवाले से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास जो अब सपोर्टिव रीजन बनेगा जिसके ऊपर ये मेजर सपोर्ट ले सकता है, दैट वुड बी दिस रीजन, मतलब 44 रुपये जो है वो इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन होगा। और जिस वेज को इसने ब्रेकआउट दिया है वो मैं वेज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये भाई साहब बुलिश मोमेंटम में है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही हैं कि ये अभी कंटिन्यू करेगा, और इनिशियल जो पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो भी बता देता हूँ कि पहली रेजिस्टेंस भाई साहब को कहाँ पर मिल सकती है, ना कर इंसान का बच्चा बन जा। इसके पास जो पहली तगड़ी रेजिस्टेंस होगी दैट वुड बी 48.70 या 80 का रीजन जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा जो है वो रीजन होगा। ओके नाउ जी, मैं ज़रूर HBL भी फ्रेम भी बता देता हूँ आपको, शाहजेब आपके ASTL के एनालिसिस का प्रशिक्षण सर, पावर सीमेंट प्लीज जी ज़रूर बता देता हूँ। नेट सोल हो चुका है हमारे पास, अब GHNI था और उसके बाद हम नाइयों से आगे बढ़ेंगे। हम गए थे इसलिए दोनों मशीन से दोनों YouTube और Facebook के ऊपर लाइव, ताकि हम जो है उसके ऊपर प्रॉपरली थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें। इसकी तो मुझे ख़त्म करो, लाइन के दो चार पैसे का ऊपर नीचे खुद ही देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे ये लाइंस इस तरह से तंग कर रही हैं, इसलिए मैं इनको सीधा सीधा पकड़ के तो कर देता हूँ। मेरी चाय आ गई है, भाग जाता
थैंक यू उस्ताद मोहतरम, काइंडली पहल पे भी नज़र सानी। सर मैं कर देता हूँ, ये मुझे दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो मुझे बात कर लेने दें, क्योंकि वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग हो गए और ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है इसने हमें कह दिया कि मेरा जवाब है। चलें, जो चीज़ें मेरे पास खुली हुई हैं मैं GHNI नोट कर लेता हूँ, मैं उसके बारे में बाद में बात कर दूंगा। जो अभी राइट नाउ मेरे पास ओपन चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपने पहल का पूछा है, तो पहल ने भी बेसिकली बुलिश ब्रेकआउट दिया था आज, इसका जो है वो पहला दिन था मतलब प्रॉपर अपवर डायरेक्शन के अंदर, और इसने कोशिश की अपवर डायरेक्शन में जाने की बट रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है। तो राइट नाउ ये जो लाइन ब्रेक हुई है और इसको अगर आप इसी तरह वेज बनाएं तो इस भाई साहब की यहाँ पे ये एक डिसेंडिंग वेज बनती है, ठीक है जी। और अगर आप इसी को सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मतलब ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए फिर इस तरह से बन जाएगी। और इसका ब्रेकआउट अपवर डायरेक्शन में यहां पे हुआ है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 37.5 पहले टारगेट होगा, 37.5 को अगर क्रॉस करता है तो ये अपवर डायरेक्शन में मजीद जो है वो ऊपर जा सकता है। हाई जो है वो 37.5 की ब्रेकआउट के बाद टारगेट ओपन ओपन जो है अपवर डायरेक्शन में खुला हो जाएगा। मजीद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और जी OGDC मैं भी बता देता हूँ, TRG या TRL का बता दें सर, ज़रूर बता देता हूँ। इससे पहले मेरे पास क्वेश्चंस का फिर हाँ SNGPL का क्वेश्चन था मेरे पास, और SNGPL आई थिंक सो मेरे पास खुला हुआ भी है। YouTube से जो क्वेश्चन था, मेरा स्क्रिप्ट भूल गया। आपका स्क्रिप्ट क्या था भला? आपका स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं सर, भूलता नहीं हूँ, टेंशन ना लें। EFERT और EPQL आपने कहा, सॉरी मैं बिल्कुल वाकई जेन से निकल गया था, उनको पहले डिस्कस करना था बट अभी डिस्कस में इनको कर देता हूँ दोनों को। ओह ये बेचारा तो ज़मीन बोस होने के पूरे पूरे पहाड़ वो कहते हैं इरादों के साथ चल रहा है। अच्छा जी, एक बार दोबारा डाउनवर्ड मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुल्स के लिए एक होप जनरेट हो रही है वो कुछ इस तरह से कि ये यहाँ पे एक डिसेंडिंग वेज बना रहा है छोटी सी, जिस तरह EFERT ने 59.58 के पास आज से कुछ डेढ़ दो महीने पहले एक वेज बनाई थी, उस तरह की ये वेज जो है ये भाई साहब भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और क्योंकि ये डिसेंडिंग वेज है तो इसलिए डिसेंडिंग वेज के मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स चांसेस जो होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने के होते हैं। तो अब इसके अंदर जेन में रखिएगा कि अगर ये इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देता है, और ये रीजन अभी तो 45 रुपये को 75 पैसे का निकल रहा है, अगर ये इसको क्लोज करता है ऊपर, इससे ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर प्रीवियस इन बॉटम्स को ये टेस्ट कर सकता है जो कि 53.54 रुपये के रीजन के अंदर है। तो इसलिए SNGP के हवाले से आप इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद EFERT का एक सवाल था हमारे पास, HBL वगैरह भी हैं हमारे वो सवालात में, लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचे तो बात है ना, कुछ सॉफ्टवेयर इंसान के बच्चों की तरह चला तो है। बेसिकली अगर आपको ये ट्रेंड लाइन EFERT की शुरू करनी हो तो ये तो शुरू होती है यहाँ से, और मैंने गलत लाइन पकड़ ली है। ये सबसे पहले आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसने बुलिश प्राइस चैनल जो है वो क्रिएट किया हुआ था। जैसे जैसे मार्केट जो है वो आगे मूव करती गई है तो आपको ये लाइन भी अपनी जो है वो एडजस्ट करनी पड़ी है। तो इस लाइन के एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये राइट नाउ एक स्ट्रांग सपोर्टिव रीजन के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि ट्रेंड लाइन तगड़ी है। बट मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको इस रीजन के अंदर जो है वो बाय कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक इससे वापस रिवर्सल साइन शो नहीं करता, यहाँ से मुड़ने का जो है वो सिग्नल नहीं जनरेट करता, उस वक्त तक जो है वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। उस वक्त तक मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि इसमें ट्रेड ना करें। हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो फिर इस प्रीवियस लो के स्टॉप के साथ 58 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं, और अग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो इस वाले लो का स्टॉप लॉस रख लें, और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स जो हैं वो इस वाले लो का स्टॉप लॉस रख के इसको इसमें ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अच्छा चल जाने वाला और अच्छा रिटर्न देता है, डिविडेंड्स वगैरह इसके जो है वो अच्छा पे करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये इस लाइन से नीचे आता भी है तो
तो ये नीचे इसको जो ये ट्रायंगल टाइप बन रही थी जिसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया था तो इसकी ये लाइन भी इसके पास सपोर्टिव रीजन होगी। सर आर यू प्रोवाइडिंग ब्रोकरेज सर्विसेज? यार मार्केट 786 जो है वो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और मैं उसी के साथ अटैच हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ब्रोकरेज सर्विसेज चाहिए तो फिर आप उनसे वहाँ से ले सकते हैं। और ब्रोकरेज सर्विसेज के हवाले से कोई और सवाल हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 03444-55-4747 उस पर मैसेज कर लीजिएगा। रिसर्च से रिलेटेड या ब्रोकरेज दोनों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास था PRL, क्योंकि आजकल ये हॉट आइटम है। ASL, PRL, हर तीसरा बंदा इन तीनों दो-तीन आइटमों के बारे में पूछ रहा होता है। तो चलें पहले PRL शरीफ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर HBL, और इधर काफ़ी सारे हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं। इलियट वेव क्या हर इलियट वेव 1, 2, 3, 4, 5 ABC कंप्लीट लाजमी करती है? कोई एग्जांपल मिल सकती है? जी बिल्कुल शाहजेब, इलियट वेव इज टू मच इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप उसको प्रॉपरली रिकग्नाइज कर रहे हैं तो वो ज़रूर कम्प्लीट करती है। और रही बात एग्जाम्पल की, कोई सामने आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। गोल्ड का एनुअल चार्ट लगा लीजिएगा, गोल्ड के एनुअल चार्ट के ऊपर जो है एनुअल चार्ट के ऊपर आपको गोल्ड जो है 5 वेव्स पूरी करने के बाद उसकी ABC कंप्लीट करके फिर आगे अपनी पिछली 5 वेव्स को फर्स्ट प्राइमरी और ABC को सेकंड प्राइमरी बना के तो एक मेजर नई इलियट शुरू करने जा रहा है, कि जो कि इंडिकेट कर रही है गोल्ड की मूवमेंट टुवर्ड्स 2700, 2800 और $3600 तक की। उसके चार्ट्स पे देख लेंगे तो आपको इलियट जो है वो प्रॉपरली मूव करती हुई और उसकी पूरी की पूरी मूव्स नज़र आ जाएंगी। जी ओवरऑल बात हो रही थी PRL शरीफ की, तो ये हमारे सामने PRL शरीफ का जो है वो डेली चार्ट है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये ओवरऑल क्या जो है चाहता है और किस तरह से जो है वो जाएगा। अली एक लाइव सेशन में हूँ, थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ। ओके तो ओवरऑल अगर देखते हैं इसके बारे में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है PRL के बारे में, ये 20.5 को अगर ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि इसके पास 20 रुपये 30 पैसे से लेके 20 रुपये 50 पैसे के दरमियान जो है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 20.5 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 21-21.5 रुपये होगा। ओवरऑल कुरेक्शन यहाँ से लेके अगर आप फॉल करवाएंगे तो ये 61% या 74% कुरेक्शन पूरी करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट जो है वो इसको मिलेगा। लेकिन वही बात है कि अगर ये 20.5 से ऊपर क्लोजिंग करे तो फिर अट्रैक्टिव है, और 20.5 से ऊपर क्लोजिंग करने के बाद इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंट रीजन होगा वो 41-21.42 रुपये के पास इसके पास तगड़ी रेजिस्टेंस जो है वो निकलती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ सवालात थे लाइव फेसबुक के अंदर, और जिनमें HBL था, AVN और गोल्ड का रेट, गोल्ड का भी बता देता हूँ सर, कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों को, और FFL। अच्छा जी फौजी फूड शरीफ, आजकल इनके तो मौसम है छोटी आइटम्स के, कोई एक आध इंसान के बच्चों वाला दिखो ये रहा। ओके जी, फौजी फूड्स के वाले से अगर हम बात करते हैं तो फौजी फूड्स आपके सामने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्किंग जो है वो शेयर की हुई है, बनी हुई ऑलरेडी, बनी बनाई वर्किंग इसके ऊपर खड़ी है। आपके थैंक यू सोने सफी जी, जैनबी गोल्ड बता रहा हूँ बस थोड़ी देर पहले। सो अगर हम इसको देखते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ओवरऑल तो स्टिल बुलिश है,
लेकिन अगर इस लाइन को ये ब्रेक करके अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है 15 रुपये 45 पैसे का, तो 16 रुपये 32 पैसे 16 रुपये 40 पैसे तक का इसके पास जो है वो गैप जनरेट हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की इसके पास बेचारे के पास होती जा रही है कि जिस तरह से यहाँ ये मूव कर रहा है, जस्ट लेट मी चेक कि ये इस तरह कोई शक्ल बना रहा है या उसके या नहीं बना रहा है। मेरा ख्याल है थोड़ा नीचे आने दें एक बार, क्योंकि इसके पास जो सपोर्टिव रीजन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो गई एक ही रुपए के अंदर। खबर शेख साहब अभी जवाब दे देता हूँ, आपका एच कार भी रहता है और आपका सवाल भी रहता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी बिल्कुल करीब आती जा रही है, 1 रुपए के रीजन के अंदर जो है ये अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज के बीच में बिल्कुल स्टक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि या तो ये अगर ब्रेक करता है 15 रुपये 45 पैसे को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, तो फिर इसको 16 रुपये 32 पैसे तक खरीदा जा सकता है। 16 रुपये 32 पैसे 40 पैसे से ऊपर क्लोज करेगा तो फिर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि बुलिंगर बैंड स्क्वीज हुआ हुआ है, तो किसी ना किसी साइड पे एक रैली चलनी है। इसलिए वो पंजाबी के अंदर रेडी रहो, जेडे पासे बस निकली उस पासे डंडा फड़ के तुम सवार हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, ये कौन सा था, FFL था, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल HBL था आई थिंक सो। वह इस्लाम जमाल भाई और पावर भी था, पावर तो यहाँ के लगा हुआ होगा हमारे सामने। उसके बाद ATRL पे भी जाएंगे, सिमर्स के अंदर कहीं पावर लगा हुआ, ये लगा हुआ है। ये करना क्या चाह रहा है? अगर पावर को लेना चाहते हैं आप, वो कहते हैं ना बजिद हैं इसको लेने पे, तो इसका स्टॉप लॉस फिर ये जेन में रखिएगा 8 रुपये 22 पैसे और 7 रुपये 80 पैसे के दरमियान, मतलब 8.20 से लेके 7.80 के दरमियान ये कोई है 40 पैसे का डिफरेंस है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस पोस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर ये बुलिश होने की एक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल शायद ना हो पाए। उसकी एक लॉजिक मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे एक इंडिकेशन मिली है इसके अंदर, तो मुझे अब दूसरी मशीन पर जाना पड़ेगा जिससे जाके पावर की थोड़ी सी लॉजिक क्लैरिफाई हो पाएगी, क्योंकि मेटा स्टॉक बहुत सारे जिंदगी के काम आसान कर देता होता है। SNGP एंड SSGC वाई दे आर गोइंग डाउन। अच्छा जी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है जी, सॉरी मोहसिन भाई, TRG वगैरह भूल गया था, अभी TRG और उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। मुझे सिर्फ एक मिनट मशीन एक्सेस कर लेने दें और दुआ करें कि हमारा सिस्टम चलता रहे, क्योंकि PRL के अंदर जो शक्ल बन रही है ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, मुझे वो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो इसलिए मैं इसको मेटा स्टॉक से कंफर्म करना चाह रहा हूँ, सॉरी पावर में। आज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी तो होगी कि यार इतनी लेट रिप्लाई कर रहा है और इतना स्लो 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 स्लो। क्या हो गया भाई, कैप्स लॉक बंद तो किया था। और हम देखने आ रहे थे पावर को, ओह वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा जी, ये अपनी बुलिश मूव तो कंप्लीट कर चुका हुआ है, वजह यह कि डेली और वीकली दोनों के ऊपर जो है मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं वो बीरश हैं, और MACD जब तक सर नहीं उठाएगा जाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा जो है मसला होएगा इसको। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो फिर इसके बारे में अपना कोई डिसीजन जो है वो माइंड मेकिंग कर लें कि आपने इसको कहाँ तक रखना है, ब्याह करना है इससे या आगे की जो भी करना है, बराबर वो इट्स योर ऑन चॉइस। बट इन माई ओपिनियन इसकी जो इलियट है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, और इलियट कंप्लीट करने के बाद इसको अब
थोड़ा एबीसी बनानी चाहिए। ठीक हो गया जी पावर, क्योंकि ओवरऑल ये जो इसका रेजिस्टेंट रीजन है वो 10 रुपए के रीजन, 10 रुपए से लेकर 10 रुपए 50 पैसे के दरमियान फॉल करता है, एक मेजर रेजिस्टेंट रीजन है। और आई थिंक सो कि ये एक बार अगर इसको उठना भी है तो फिर इसको एक बार 8 रुपए से बिलो आना चाहिए, 8 रुपए से बिलो आके फिर इसका चलना चाहिए आगे। तो कर दिया हुआ है, मार्केट अप होने के बावजूद वो गिर ही जा रहा है। सर प्लीज़ लोगों को गाइड करें। अच्छा जी, हम नेटवर्क किसी ऐसे स्पेसिफिक आइटम पे, भैजान मैंने आपका बता दिया है, ईफर्ड मैं बता चुका हूँ, SNGPL बता चुका हूँ, और EPQL जो मैं अभी बता देता हूँ, YouTube से 495 क्वेश्चन कर रहे थे तो उनका, सर मैं आपका ये आइटम्स जो है वो दोनों बता चुका हूँ और वो दूसरी बता देता हूँ। उसके बाद TRG पे चलते हैं कि TRG साहब जो हैं वो ओवरऑल किस तरह का ट्रेंड अख्तियार कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इन माई पर्सनल व्यू, 1, 2, 3, 4 एक छोटी सी स्लाइड करेक्शन के बाद मजीद अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के भाई साहब के पास चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। 78 रुपए से लेके 81 रुपए के दरमियान इसको मेजर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। और आई थिंक सो इसने हाई जो पोस्ट किया अपना 75 रुपीज का किया है, तो अगर ये 75 को ब्रेक नहीं करता दोबारा करेगा भी तो 78 रुपए पर रेजिस्टेंस एक तगड़ी इसको फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में जो बन रहा है वो ये है कि इसने अपना बुलिश सेंटीमेंट छोड़ दिया है। अब जस्ट लेट मी चेक, जी बुलिश सेंटीमेंट छोड़ चुका है अपना। तो एक छोटी सी स्लाइड करेक्शन, करेक्शन आगे जिधर भी कन्वर्ट हो जाए उसको आप बाद में देख लीजिएगा। भाई जी हैस्कोल 24 की बाइंग है, होश अवश्य सर उसको भी देख लेते हैं, हैस्कोल को भी 24 की बाइंग है। तो लेकिन TRG के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद एक सवाल था हमारे पास ATRL का, ओहो बड़ी साइंस, अगर हम ATRL की बात करते हैं तो बेचारा बड़ी मेहनत के बाद जो है वो अपना ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल हुआ है बुलिश डायरेक्शन के अंदर, बट 163 रुपए के ऊपर चल रहा है, 167 रुपए और 171 रुपए इसके पास रेजिस्टेंट रीजन्स होते होते हैं पुराने, इसलिए वो रीजन्स अपने जहन में रखिएगा जब इसको ट्रेड कर रहे हूँ अटक रिफाइनरी शरीफ को, तो उन रीजन्स को जहन में रख के इसके साथ जो भी आपने ट्रेडिंग करनी है इसके अंदर करनी है। ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ये वीकली क्लोजिंग जो है वो इस हाई से ऊपर देने में सक्सेसफुल होता है मर जा तुम यहाँ से, अगर ये 158 रुपए बेसिकली तो ये रीजन बनता है इसका 157 और 163 के बीच का, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंट रीजन जो इसके पास ये फॉल कर रहा होता है 157 से 163 के रीजन के जब तक अंदर केज्ड है उस वक्त किसी भी डायरेक्शन के अंदर एक लंबी राइड ले सकता है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग डेली मोमेंटम स्टिल बुलिश है। अच्छा इन सब में वीकली को मौत पड़ी हुई है, जो भी मार्केट की आइटम्स हैं ना, हेलो इसका मतलब एक्सटेंड होने के चांसेस कम है तो केयरफुल रहिएगा। बारे में अटक रिफाइनरी के बारे में 167 और 171 के बीच जो है वो केयरफुल रहिएगा, 171 को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 176 और 184 हो सकते हैं। ओवरऑल 61.8% अपनी करेक्शन पे खड़ा है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सर वीडियो YouTube पे अपलोड कर दीजिएगा, वीडियो सर YouTube पे अपलोड भी हो जाएगी और अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी YouTube के ऊपर इसकी चल रही है, Facebook और YouTube दोनों पे चल रही है। अच्छा जी PIBTL था और एक और सवाल था यार, वो बार बार आइटम आ रही थी सामने लेकिन मैं उसको जो है वो देख नहीं सका माजरत के साथ, कोई दोस्त थे वो सवाल बार बार किए जा रहे थे। कैपको, हाँ कैपको था आई थिंक सो। हम नेटवर्क कब रुकेगा गिरने से, सर 12:45 की एवरेज है भैया। अब आपके दो सवालों का जवाब दे दिया हुआ, अब कुछ और दोस्तों को दे लूँ जवाब तो फिर उसके बाद जो है आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। KAPCO, अच्छा वर्बली बता देता हूँ हम नेटवर्क सर SNGP कवर हो चुका है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा आपको उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। हम नेटवर्क अगर भाई साहब 5 रुपये 80 से नीचे है ऊपर है, 5 रुपये 80 टूटा तो 4.5-4.75 दिखा सकता है। अच्छा ये आइटम कौन सी है, कैपको शरीफ है, कैपको
पंजाबी चलन जड़ी हुई बथेरी नहीं जिन्हों समझ आ गई फिर वो दूसर समझा देना। ओवरऑल जी 29.60 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान जो है वो मेजर रेजिस्टेंट रीजन है। इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट की पूरी स्ट्रगल कर रहा है और होप सो शायद कर जाए, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर इस भाई साहब के अंदर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए थोड़ा या तो डिप का वेट कर या फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है 30 रुपये को तो फिर इसके अंदर दोबारा बाइंग में आ जाइएगा। इस रीजन में थोड़ा वक्ती तौर पर इसको सांस लेने दें, खुद भी सांस बहाल करें और उसके बाद जो है जब ये आगे ब्रेकआउट कर जाए तो फिर इसके अंदर जो है एंट्री ले लीजिएगा। HBL रहता था बिल्कुल सर। मोहसिन भाई मोस्ट वेलकम। और उसके बाद सर PTC पर थोड़ी सी रोशनी, PIBTL भी बताना और HBL भी बताना है। PIBTL के बारे में मेरे से बहुत सारे दोस्त पिछले दिनों से फ़ोन कर करके आत्मा रोल रहे हैं मेरी, पता नहीं इसमें से कौन सा तेल निकलाया। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा प्लीज़, ये मेरे एनालिसिस होते हैं, किसी भी वक्त गलत हो सकते हैं, तो वो पंजाबी कहते हैं आप साढ़े देना रहना। मैं भी ढूंढने क्या जा रहा था PIBTL। हैस्कोल को भी देखते हैं और उत्तीर्ण कर, ये तो शक्लें ही बड़ी डरावनी डरावनी बना रहा है। ये चीज़ मेरे उसको लगता है कुछ सियाना टक्कर गया। 4 or 5 A लग गया, B लग गया, C के लिए। ओवरऑल मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि जो PIBTL शरीफ है इसके पास जो तगड़ी वाली सपोर्ट है नीचे वो ये वाला रीजन है और ये बन रहा है कुछ 12 रुपये और 10-11 पैसे, वो इसके पास तगड़ी सपोर्टिव रीजन है। 12 रुपये 10 पैसे 11 पैसे को अगर ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 11 रुपये 70 पैसे तक नीचे आ सकता है। ओवरऑल मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा लूज़ कर चुका है और कर भी रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भाई साहब जो हैं ये अपना इलियट कम्प्लीट करके, वो पता नहीं इलियट वाले भाई साहब किधर गए हैं जो पूछ रहे थे, कोई दोस्त यहाँ पे पूछ रहा था सर इलियट में 5 पूरी होना ज़रूरी होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये देख लें कि इलियट में 5 जो है वो इसने अपनी पूरी कर ली हुई है। और राइट नो मेरी पर्सनल परसेप्शन के मुताबिक इसके पास जो तक रेजिस्टेंट रीजन होगा PIBTL के पास वो रीजन 13 रुपये 14 पैसे 13 रुपये 20 पैसे से लेके 13 रुपये और 70 पैसे के दरमियान इसके पास मेजर रेजिस्टेंसेज हैं, इसलिए वहाँ पर इसको थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। जुनेद अशरफ सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम भैया थैंक यू। ट्रायंगल कैसे ड्रा करते हैं, एक लाइन ऊपर से जो मतलब रेजिस्टेंट रीजन हो, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल कोड कर देता हूँ, ये PIBTL का चार्ट है, इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है ऊपर तो ये इसकी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसी तरह एक थल्लों खिंच देना मसल में तुम मिसालों के नाल वजात करके तो ये इस लाइन में इतना रख देना। लो जी ए कंगालों की ट्रायंगल बन गई है, कंगाल होते हैं ना वो एक गरीबों को कहते हैं हम लोग, तो हमारी ट्रेंड लाइन ट्रायंगल ये बन गई है। अब मैं इस लाइन को बीच में से खींच देता हूँ तो ये आपके पास ट्रायंगल बन गई इसकी, इसको टू सम एक्सटेंड वेज भी कह सकते हैं, ये जो भी आप नाम देना चाहें वो इसको दे सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है इसके ऊपर बन गई है। HBL था हमारे पास, अब उसके बाद हैस्कोल था, EPQL भी था और यहाँ से हमारे पास PTCL पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें जी। मैं जमाल भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि PTCL के ऊपर भी कुछ डिस्कशन हल्की फुल्की सी हो जाए हमारी। PTCS से नाराज़गी तो नहीं सर, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है माजद के साथ, सिर्फ ये होता है कि जो है ना क्या नाम है इसका, समटाइम्स जो है वो मिस हो जाता है। दूसरा एक यूट्यूब पे साहब जो है वो काफ़ी जलील व ख्वार कर रहे हैं गंदे गंदे से कमेंट्स करके, उनको पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, तो उसकी वजह से मुझे वो ध्यान उधर से बंदा एक होता है ना बददिल हो जाता है कि यार ठीक है क्या करना है बोल के किसी चीज़ के ऊपर, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। बहरहाल ये था हमारे पास HBL शरीफ।
मुसलमानों, HBL क्या करना चाहता है? रेंज बाउंड सी सिचुएशन के अंदर है, ओवरऑल लग रहा है कि शायद आपको नीचे करेक्शन दे। अगर 129 रुपए 28 रुपए से नीचे सरकता है तो ये नीचे काफ़ी जा सकता है टूवर्ड्स 123 रुपए 122 रुपए, ओवरऑल 122 से ऊपर जब तक है बुलिश है, लेकिन शक्ल इस तरह की बनी हुई है कि शायद एक करेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जितना ये स्क्वीज हो चुका है रैली इसने अब लंबी मारनी है आइदर इन बुलिश या बिरिश डायरेक्शन, इसलिए ज़रा केयरफुल रहिएगा। चौधरी अहमद कह रहे हैं ASTL सबसे पहले डिस्कस हुआ है, वहाँ से सुन लीजिएगा क्यों आई है एंड में। AVN सर भी देख लेते हैं, AVN को भी इसका सवाल भी आपने दो तीन बार किया, ISL और INIL को भी देख लेते हैं, और उधर से EPQL काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है, चलेंगे पहले EPQL को देख लेते हैं फिर इन आइटम्स पे चलते हैं। EPQL मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक फ्री वाला सेशन ही रख लें ऑनलाइन किसी सैटरडे को, जो लोग सीखना चाहते हैं। EQPL है या EPQL है? एंग्रो पावर का तो प्रोडक्ट EPQL से खुलना चाहिए था इसको, चलें यहाँ ट्राई कर देखते हैं शायद खुल जाए, एंग्रो में खुल जाए। SNGP सर कर चुका हूँ पहले ही, और SSGC का बता देता हूँ, अभी मेरे पास EPQL खुल नहीं रहा है उसकी वजह से माजरत, और उसके बाद हमारे पास कौन सा था AVN सॉरी, हाँ खुल गया सिम। बहुत बड़ी देर नहीं होगी सानू ऑनलाइन, चीज तो अच्छी बन रहा है ब्रदर्स टिकटॉक पे, ब्रदरो एंड सिस्टरो। दिस इज कॉल्ड रंसान, पता नहीं नाम क्या है, रंसान है वंसियान है जो भी है बराबर। ओके जी, एवंसियान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट है 72 रुपये 82 पैसे, 72 रुपये से ऊपर है तो बुलिश है, और अपर डायरेक्शन में जाके इसको रेजिस्टेंस एक जो फेस करनी पड़ सकती है इनिशली वो 79 का रीजन होगा, 79 से 80 के बीच इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। 1, 2, 3, 4 ये नीचे से क्या करके शक्लें बना बना के जा रहा है, और अगर ये 79 को ब्रेक करता है तो फिर इसी लाइन को उठा के यहाँ से यहाँ रख दीजिएगा, आपके पास टारगेट इसका जो नेक्स्ट है वो निकल आएगा, और यहाँ से चार्ट को नीचे कर लीजिएगा तो ये 85-86 रुपए तक फिर आपको जाता हो। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, हाँ वो तो है, थैंक यू फॉर बताइंग। नईम अख्तर कह रहे हैं सरल का बता दें सर, कोशिश करता हूँ सर, मोस्ट वेलकम सर, टेक्निकल की एप्लीकेशन का सेशन रख लें, वो क्या होता है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था EPQL, माजरत भाई जो पूछ रहे थे उनसे, वो हमारे पास खुल नहीं सका उस वजह से हम उसको खोल नहीं सके। उसके बाद ISL है, और ये रहा हमारे पास ISL, ब्रेकआउट हुआ हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग जंप। ओके गाइस, अगर हम बात करते हैं ISL शरीफ की, तो ISL के पास जो अब के बार वापसी की सूरत में सपोर्टिव रीजन होगा तगड़े वाला, वो होगा 77 से लेके 73 के बीच रीजन, 73 बनता है ना, मैंने तो कम आ गया, 77 से लेके 75 के रीजन जो है वो तगड़ा सपोर्टिव रीजन होगा उसके लिए, और उसके ब्रेकआउट के बाद जो है सर आर्ली का इशू नहीं होता है, अगर आर्ली ओवर हीटेड है भी
तो सबसे बड़ी बात अभी एवियन की जो आप कर रहे हैं कि आर्ली उसका जो है वो ओवर हीटेड हुआ हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस 79 वाली ब्रेक कर देगा, होता क्या है कि इसने अपना टारगेट ओवरऑल अगर एक कॉमन सेंस में देखा जाए तो इसने अपना जो है वो टारगेट मार दिया है। इसको टच करके इसने टारगेट अपना 76 को टच करके अपना टारगेट पोस्ट कर दिया जो इसने ये ट्रायंगल ब्रेक की थी। अब इसके बाद इसके पास नेक्स्ट टारगेट ये है जहाँ पे ये प्रीवियस डबल टॉप भी बन जाएगा और ये टच भी हो जाएगी, लेकिन वही चीज़ है कि अगर ये 79 तक जाता है और उस लाइन को टच करने की कोशिश करता है तो फिर अच्छा है। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं आर्ली ओवरहीटेड होने की, तो आर्ली जो है वो डेली का एक साइकिल कंप्लीट होने में आर्ली जो है वो 35 बार अपने साइकिल्स कंप्लीट कर चुका हुआ होता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आर्ली के अंदर केएससी 100 इंडेक्स चंगी तगड़ी बड़ी बीरश है। एफएफएल पीर मोहम्मद जखवानी साहब कह रहे हैं सर एफएफएल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके तो देख लीजिएगा। और उसके बाद हाँ ये भी अच्छा, अब मैं बात इसकी कर रहा था तो उधर चला गया। ओके अगर हम बात करते हैं जनाब आईएसएल साहब की, तो आईएसएल साहब के पास जो अपने प्रीवियस डबल टॉप, ये वीकली में अगर चार्ट करेंगे तो डबल टॉप है इसके 84 के रीजन के अंदर तगड़े वाला, और उसको टच करके 83+ को टच करके आ रहा है, अपनी एक्सपेंशन पूरी कर चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ा सांस लेने दें, सांस बहाल होने दें, तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। ओवरऑल सेंटीमेंट स्टिल बुलिश है, ये नहीं कह सकते कि बीरश है। अमर अल्ताफ सब पहले डिस्कस हो चुका हुआ है, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है सरल शरीफ का, और INIL का भी था, ये रहा INIL। अगर किसी का कोई सवाल मिस हो रहा हो तो उस दोस्त से बहुत माजरत, तो याद करवा दें दोबारा अगर किसी दोस्त का मिस हो रहा है क्वेश्चन तो। ओके जी अगर हम INIL की बात करते हैं तो INIL INIL के पास ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर अगर ये ब्रेक करता है, क्योंकि इसके साथ साथ इसके पास वो कहते हैं ना इनिशियल जो रेजिस्टेंस होती है उस पर सेल करते हैं और सेकेंडरी रेजिस्टेंस का स्टॉप देते हैं, तो इसके पास सेकेंडरी रेजिस्टेंस जो निकलती है वो 156-157 रुपये निकलती है। अगर ये भाई साहब इस लाइन से ऊपर क्लोज कर जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो फिर जो है इनका टारगेट अच्छा हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। भाजी हस्कोल बताने लगा भैया जी, हस्कोल के लिए ही वापस आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। और यहाँ से लाइन कहाँ से पकड़ रहा है, ये वाली पकड़ रहा है जिसको वेज बना के तो बुलिश ब्रेकआउट देना चाह रहा है, लेकिन मैं वही चीज़ कहूँगा कि एक बार इसको ब्रेकआउट दे लेने दें, फिर पकड़िएगा इस लाइन से ऊपर क्लोज होने दें, फिर पकड़िएगा। अगर आप यहाँ पे पकड़ लें तो हो सकता है कि लाइन ब्रेक ना हो और ये भाई साहब जो हैं वो अन्य बार नीचे की तरफ चल पड़े। ये सम काइंड ऑफ बीरस चैनल है, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये करेक्शन भी हुई होगी तो ये अपवर डायरेक्शन में चल पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है जी बारी FBL का पुछर, सिस्टम्स FFL है स्कूल FFL। सर मैं बोल चुका हूँ, अगर दोबारा इतनी बार रिपीट करूँगा तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आपकी पिक्चर जो है वो एज्ड पर्सन की है तो इसलिए आपकी रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है। मैं एक बार FFL को फिर से डिस्कस कर देता हूँ, बाई चांस ये खुला हुआ ही है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ FFL की, तो FFL के पास जो सपोर्टिव रीजन है ये बेसिकली 14 रुपये 70 पैसे 78 पैसे से लेकर 15 रुपये 45 पैसे के दरमियान केज्ड है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये 16 रुपये 32 पैसे जा सकता है। ओवरऑल बुलिश तब होगा जब 16:32 से ऊपर क्लोज कर लेगा, जब तक 16:32 से ऊपर क्लोज नहीं करता थोड़ा स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, तो इसलिए केयरफुल रहिएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर ये भाई साहब 14 रुपये 70 पैसे से नीचे निकलने में कामयाब हो गया तो 13:60 बईद नहीं है, इतने का ही शेयर है, इतने का ही वो उसका डिफरेंस निकल आएगा। अब यहाँ पर बात हो रही थी हमारे साथ कोई हैस्कॉल की, इसी में खोल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एक लाइन को चिमटा हुआ है जो हैस्कोल शरीफ है ना, और उसी को चिपक 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 के उसका सर नहीं छोड़ रहा। और वो इसके लिए डेंजरस है, अगर उस लाइन का ये सर नहीं छोड़ेगा तो इसके लिए दर्द वबाले जान बन जाएगी, क्योंकि फिर तो उसको उसका टूटना वो कहते हैं ना निश्चित हो जाएगा। इतनी देर तक अगर कोई चीज़ किसी सपोर्ट से चिपकी रहे
तो वो उसके लिए डेंजरस हो जाती है। ये भाई साहब जो हैं इस लाइन के इर्द गिर्द घुमाटियाँ ले रहे हैं। ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर हाई स्कूल के अंदर बाइंग करनी है तो फिर स्टॉप लॉस मस्ट अपने जेन में रखिएगा। ये प्रीवियस लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस रख के 13 रुपये 12 रुपये 86 पैसे का स्टॉप लॉस मस्ट जेन में रखिएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ये बुलिश भाई साहब तब होंगे। अच्छा एक सेकंड एक चीज़ बना रहा है ये, लेट मी चेक। बाई चांस मेरी नज़र पड़ी है इसके ऊपर कि ये कोई इस तरह की हरकत ना कर रहा हो। सर सरल का ज़रूर बताऊंगा भाई जान। अमर अल्ताफ सर TRIPF का पूछ रहे हैं। सर बहुत ही अनफेमस सी को आइटम है, अगर आप माइंड ना करें तो कोई और आइटम कह लें, इसका पता नहीं मेरे पास डाटा भी होना है या नहीं होना है। आप माइंड अगर ना करें तो कोई और आइटम पूछ लें। अच्छा जी ये लाइंस जो है ना, ये दो लाइंस अपने पास चार्ट पे ना वो डट के लगा लें हैस्कोल के लिए, ठीक है। जिस तरफ का ब्रेकआउट करे उस तरफ पकड़ के एक लंबी राइड ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसकी रिटेस्टिंग, इसके पास राइट नो जो सपोर्टिव रीजन है वो 13 रुपये 84 पैसे से लेकर 13 रुपये 50 पैसे तक का रीजन है। 12.86 12.85 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा अगर बाइंग करना चाहते हैं तो, और 15 रुपये 70 पैसे का टारगेट होगा। 15.70 को तोड़ेगा तो लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये मैं इसको थोड़ा अलाबोरेट करता चलूँ कि ये एक डिसेंडिंग वेज है जिसका अपवर्ड डायरेक्शन में बुलिश ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब बुलिश ब्रेकआउट के बाद इसकी लाइन की रिटेस्टिंग हो रही है, और अगर इस लाइन की रिटेस्टिंग के अंदर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जब ये लाइन की रिटेस्टिंग कर रहा होगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस लो जो है वो होना चाहिए। 13 रुपये कुछ पैसे निकलता है तो एहतियातन आप 12 रुपये 85 पैसे का रख लीजिएगा। सर PPL रह गया, ईफर्ट हो चुका है सर। माजिद भाई ने OGDC का पूछा था, मैं बताना ही भूल गया, माजरत। चलें बहरहाल मैं उसको फिर वापस ले लेता हूँ। OGDC को भी है, मैं अपने दोस्तों के सवाल भूल जाता हूँ यार, कैसी बदबख्ती वाली बात है। बहरहाल हैस्कोल जो है इसके बारे में ये रीजन, क्योंकि जो इसने शक्ल क्रिएट की है ये एक खामोशी है तूफान से पहले की, देख लीजिएगा। अगर ये जिस डायरेक्शन में भी टूटी बहुत बुरी होगी, अगर ये दोबारा इस वेज के अंदर नीचे घुसा तो फिर ये इसके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगी। और रिटेस्टिंग के बाद पुल बैक हुआ तो बारे नहीं आ रहे। एच कार का एक सवाल पहले भी था, ऑलरेडी वापस आ गया हमारे पास जी। मैं ज़रूर एच कार आपको देख देता हूँ। सिस्टम्स लिमिटेड शो सर, मुआजरत मैं सिस्टम्स भूल गया था, लेकिन जल्दी से हम OGDC को कर लेते हैं क्योंकि मेरे एक दोस्त ने नाराज़ हो जाना है। अब वो शायद चले भी गए होंगे वीडियो छोड़ छाड़ के, और उनका सवाल जो है वो अभी तक एज इट इज़ स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ईशा विषय ये क्या बन रहा है OGDC के अंदर। इसका मतलब है ये इसको रिटेस्ट करके तो ब्रेकआउट नहीं दे सकता इसका। OGDC बेसिकली एक मोमेंटम पुल बैक का बना रहा है टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो चीज़ इसके लिए डेंजरस तरीन है वो थोड़ी सी मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे इस लाइन से ऊपर क्लोज कर जाएगा तो ये सक्सेसफुली एक अच्छी राइड दे जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसका जो है बुलिंगर बैंड जो है वो वापस अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। तो राइट नो इसके पास जो रेजिस्टेंट रीजन है उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ है। तो 100 रुपीज़ के रीजन के अंदर अगर आप इसको बाय करते हैं इस रीजन के अंदर, तो ध्यान में रखिएगा कि फिर आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट अपना रखना पड़ेगा। 97 की मेरे भाई आपकी वीडियो कब आएगी। सर वीडियो तो चल रही है, विषय DHL एंड GATM सर उनको भी कोशिश करता हूँ डिस्कस कर लो। और हमारे पास
ओवरऑल जी जो ओ जी डी सी के अंदर मुझे फॉर्मेशन नज़र आ रही है वो एक बुलिश ब्रेकआउट की होती नज़र आ रही है, और अगर ये बुलिश ब्रेकआउट कर जाता है 103 रुपये से ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल होता है तो शायद एक बार आपको 108, 109 और देन 112 तक का रीजन जो है वो दिखा सकता है। इनिशियल रेजिस्टेंस जो भाई साहब के पास होगी वो ये वाला रीजन 111 आई थिंक सो होगा, अच्छा 106 इतना नज़दीक 106 मेजर रेजिस्टेंस होगी, 106 पिवोटल वैल्यू है, 106 से ऊपर जैसे ही निकलेगा उसके बाद जो है अपर डायरेक्शन में लंबा टारगेट मार रहेगा। और उसके बाद जनाब एच कार काफ़ी देर से दोस्त पूछ रहे हैं यार, और सिस्टम्स मैं भूल जाता हूँ बीच में चीज़ें, ना ही खुल रहा अब क्या करें, चलिए हम सिस्टम्स को देख लेते हैं, सिस्टम्स अगर खुल गया था जो वहाँ नहीं मिलते, बेसिकली यहाँ पे आने का एक इशू है कि उस मशीन पर जाकर मेरा कर्सर जो है ना वो थक जाता है बेचारा। इसका सिंबल क्या है सिस्टम्स का, जल्दी से प्लीज बताइएगा सिस्टम्स का सिंबल क्या है, एस वाई एस तो नहीं है कहीं, लगता तो को वीडियो प्रॉब्लम से क्या हौली हौली पहुंच रही है, एस वाई एस ही है, ओके शाबाश, नया ही लगा नहीं लगा उसके बाद नया लगा, एक्सपायरी नहीं आ गई वक्ती तौर पे, मोमेंटम लूज कर सकता है किसी भी टाइम पे, इसलिए थोड़ा इसके अंदर जो है वो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। ये लाइन इसके पास जो है वो तगड़ी वाले रेजिस्टेंस है, जब तक इस लाइन से ऊपर क्लोज नहीं करता, इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो अभी करंट जो पीक है ना उनको ये मिला लेगी, क्योंकि मेरा इस सिस्टम पे आने के बाद माउस काम करना छोड़ देता है जी। तो ओवरऑल जब तक ये इससे ऊपर डेली क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर नहीं करता उस वक्त तक इसके रिवर्सल के चांसेस जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, इसलिए इसके अंदर आपने बहुत केयरफुली ट्रेड करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 ABC शुरू करने जा रहा है अपनी इलियट्स की, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है। भाई जान बहुत देर से आप बात कर रहे हो BAHL की, मैं सर इसको ज़रूर कोशिश करता हूँ कि अभी के अभी हाथों हाथ ले लूँ, अच्छा बस बैंक अल हबीब मांग ले भाई, अच्छा जो ये वहां जाकर फॉल कर रहा है जो ये सपोर्ट मोमेंटम प्लस होगा, ओवरऑल इस लाइन को टारगेट कर सकता है 77 रुपये का रीजन है, 77-78 रुपये का रीजन है उसको टारगेट कर सकता है, तो इसलिए उसको जो है वो वहां तक आप देख सकते हैं इसको जाता हुआ। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग पड़ी हुई है तो फिर जो ये लो है, ये डूजी का लो नहीं, उससे अगली कैंडल का जो लो है, और फिर हैमर का लो नहीं, जो से अगली कैंडल का लो है इसका स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ओवरऑल अभी मोमेंटम जो है वो डेली और वीकली के अंदर तो अच्छा खासा बुलिश है, मोमेंटम बेसिकली वीकली ने तो अभी बुलिश साइड पर जो है वो चलना शुरू किया है, और डेली के अंदर मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, और अगर ये
इस हाई से ऊपर क्लोज करने में एक दिन भी सक्सेसफुल हो गया, जो कि 71 रुपये 35 पैसे का है, तो जाहिर सी बात है ये आपको 76-77 का रीजन जो है वो आगे दिखा देगा। सरल के बारे में एक दोस्त काफ़ी देर से पूछ रहे हैं, सरल सरल का पिछले दिन एक एनालिसिस बना रहा था, ऐसी बलावजह जब इस पर नज़र पड़ी थी, क्योंकि इसको देखने की वजह तो कोई भी नहीं थी। कोशिश किया करें कि ये मैं लाइंस आप लोगों के साथ चार्ट इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप नेक्स्ट लाइंस को खुद भी थोड़ा सा लगा के तो ट्राई करें। तो कोशिश किया करें कि टेढ़ी तिरछी लाइनें लगा के जो है वो शेयर करते रहा करें, और जो लोग सीखने के शौकीन हैं उन लोगों को बताता चलूँ कि वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टडीज़ जो है वो शेयर कर सकते होते हैं कंपनीज़ के हवाले से, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी वो बताते रहें आपकी स्टडीज़ के हवाले से। तारक अज़ीज़ सर काइंडली TRG का नजर का TRG काफ़ी देर पहले कर दिया था हमारे भाई, तो TRG को वहाँ से आप देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। PRL का बता दें, उमर फारूक भाई, उमर भाई सलाम हो गया थोड़ी अजमत में। उमर भाई PRL काफ़ी देर का बता दिया हुआ है, 20:30 टूटेगा तो 21-21:45 तक जाएगा। ओवरऑल मोमेंटम जोड़ा ना वो काफ़ी डेंजरस रीजन खड़ा है, 21:30 तोड़ेगा तो फिर गल अगां शुरू होएगी, नहीं तो फिर क्या जाएगा जड़ी हुई बथेरी नहीं। तो हेस्कोल डिस्कस कर चुका हूँ ब्रदर तारक अजीज साहब, BAFL एंड कैपको डिस्कस हो चुका है अरुण भाई, और ASTL सबसे पहले डिस्कस हुआ था इसलिए आपको उसको वहाँ से देख सकते हैं। उमर भाई PRL का मैंने बता दिया आपको, PRL 20:30 पे तो रेजिस्टेंस है ही है, लेकिन जो सपोर्ट इसकी मेजर जो 20 रुपये 30 पैसे से लेकर 20 रुपये 50 पैसे के, तो मैंने इसको मेजर रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है तो 21 रुपये पूरा और 21 रुपये 32 से 42 पैसे सेकंड रेजिस्टेंस होगी। सर ये PRL का ही बोल रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद नीचे वाले डायरेक्शन में इसके पास जो तगड़ी सपोर्ट है वो 18 रुपये 50 पैसे को तोड़ेगा तो फिर अपना सारा मोमेंटम जो उसका बड़ा गर्क कर लेगा। अच्छा जी एच कार एच केड़ी साइंस है, इन दिन वड्डी साइंस होनी है सर एच कार, चले 12 चांस हमने सॉफ्टवेयर पे आ गए हुए हैं तो हम यहाँ से एच कार को भी देख लेते हैं। एच कार की साइंस तो लगता है मुक्की खड़ी है, या मुक्की खड़ी है या शुरू होने लगी है, दोनों चो एक कम होने लगा बरल जेड़ा भी है। ये एच कार है और एक शक्ल बड़ी गंदी सी बना रहा है, अब है तेरी चल जा भाई। और अगर हम इसकी बात करते हैं इसको यहाँ पे टच करके, मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ खैरियत थी। अच्छा ठीक ओके थैंक यू। अच्छा जी एच कार जो है वो कहते ने या पाँव बारह क्या होता है उसका, राहिल जुबैर साहब ने ज्वाइन किया, इस्लाम वाजाम, उमर फारूक भाई डन हो गया। अच्छा ओके जी कार्यक्रम डेस्कॉन का पूछ रहे हैं एच कार के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा, वो पता नहीं अब मुझे कहावत बड़ी पुरानी थी भूल गई हुई है, या चार पौने तो या पाँव बारह वो पता नहीं कौन सी कहावत होती है। 334 रुपये जो है ना इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है 322 रुपये को, 322 रुपये से ऊपर डेली क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो 334 रुपये होगा, और मीन वाइल जब 334 तक पहुंचेगा तो ये अपनी जो डिसेंडिंग वेज है उसको ब्रेकआउट उसका दे चुका हुआ होगा, तो वो फिर इसके लिए एक लंबी आगे की छलांग जो है उसका तासर इसे जनरेट हो सकता है एच कार में से। केयरफुल रहिएगा, हाँ एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा 334 ना टूटिया तो फिर तड़न तक, फिर क्या होता है जो भी है पाँव बारह या मुझे कहावत भूली हुई है, हालांकि मैं कहावतें बहुत याद रखता हूँ कोशिश करके, लेकिन वो मुझे अच्छी खासी आती आती भूल गई है। ठीक है जी ये इसका कुछ इस तरह का बना हुआ है ट्रेंड। ताहिर भाई कह रहे हैं गुड थैंक यू सर सोने सचिव राहिल भाई वारसाम। अब हम डेस्कॉन पे चलते हैं कि डेस्कॉन के बारे में जो दोस्त साहब पूछ रहे हैं,
और तो कोई नहीं पीछे रह गया। ये मी फाइन सर असद भाई, अल्लाह का करम है, और PRL हो चुका है, लोड्स रहता है, और हमारे पास अभी मैं कोई आइटम आई थी मेरे जहन में, मैं सरल को डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में, मेरे ख्याल घोड़ गाड़ के ही आ गया हूँ। सॉरी जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, वो माजरत के साथ हमसे। सरल के पास जो रेजिस्टेंट रीजन है वो बेसिकली इसका प्रीवियस टॉप है, जो कि 250 रुपए का लगा हुआ, 250 से ऊपर ब्रेक करने में सक्सेसफुल हुआ तो अच्छा खासा बुलिश चला जाएगा, लेकिन प्रेशर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली जो है उसको ट्रेड कीजिएगा। शुड वी ट्रेंड लाइन फ्रॉम विक टू विक आर क्लोज टू कैंडल्स बॉडी? नहीं सर, विक टू विक ट्रेंड लाइन हमेशा विक टू विक चलती है, और अगर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्लोज चले तो फिर भी मसला नहीं होता, ट्रेंड लाइन को विक टू विक चलना होता है। और दूसरी एक चीज़ शायद आप लोगों ने गौर किया हो, मैं अपनी साइंस के मुताबिक जब भी ट्रेंड लाइन शुरू करता हूँ उसको किसी विक से शुरू करता हूँ। कुछ दोस्त अहबाब होते हैं वो ट्रेंड, अबे यार मैं इसको कैसे अब उधर लेके जाऊँ, वहाँ जा सकती है इसको यहाँ से ले जाता हूँ, कुछ लोग ट्रेंड लाइन जो हैं उनको इस तरह से भी शुरू करते हैं। वो काम जो है ना, वो मेरा ख्याल है जितना मैंने टेक्निकली पढ़ा हुआ चीज़ों को, वो थोड़ा सा आपकी स्टडी भी ख़राब हो जाती है उससे। कुछ लोग इस तरह की ट्रेंड लाइन ऐसे खींचते हैं, बेसिकली उनका मकसद इस बॉटम को जोड़ना होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट के मूव के साथ साथ जो है वो ट्रेंड लाइन एडजस्ट होती चली जाती है ऑनवर्ड। जैसे मार्केट मूव करेगी आपको अपने ट्रेंड लाइन को ऊपर या नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करेंगे तो ये बॉटम छोड़ देगी, इसलिए कोशिश ये किया करें कि विक के ऊपर जो है वो रखें। और अगर आपकी ट्रेंड लाइन का एक कॉर्नर जो है, एक कंट्रोल पॉइंट जो है, वो किसी हैमर या डूजी पे आ जाए तो फिर पंजाबी के अंदर गल बड्डी हो जाती है, फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद जो डॉल के बारे में पूछा है, ये सॉरी क्वेश्चन उधर भी काफ़ी देर से आ रहा था, अब तुझे क्या हुआ है, डॉल ही खुला तो है मेरे ख्याल है, DOL डेस्कॉन आर्की केमिकल, ये बना क्या रहा है? ये तो वो होता है ना, क्या स्लिप होने के लिए वो जो बच्चों की डलवान होती है। अच्छा जी, डेस्कॉन बुलिश हो रहा है इसका, अगर आप बाइंग बायर हैं तो 29 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। डेली में मोमेंटम इसका अच्छा खासा जो है वो जोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट वही बात ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूरी है। 1, 2, 3, 4 और इसके बाद जो है क्या नाम है इसका, जी 29 रुपए के स्टॉप के साथ अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई हैव साइंड अप फॉर एन अकाउंट विद IGI, विल दे प्रोवाइड दीज चार्ट्स? सर पता नहीं, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। एडवांस ट्रेनिंग की बातें फ्री में भी बताई जा रही हैं। अच्छा कोई बात नहीं नूर भाई, आप आते नहीं हैं, आपसे काफ़ी सीखा है, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। अजमेर ट्रेंड लाइन ऑन डूजी एंड हैमर, चलें कोई बात नहीं, बहरहाल हम यही बात कर रहे थे। और वाट अबाउट BOP, शुड वी टेक ट्रेड ऑन ब्रेकआउट ऑफ आर वेट ऑफ द फॉर रिटेस्ट? किसकी बात हो रही है भला असद भाई, किसकी बात कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिएगा प्लीज़। GHNI रह गया था तो मैंने उसको बता तो दिया, ये लाइन उसके ऊपर लगाई हुई है कि ब्रेकआउट करता है तो फिर एंट्री ले लीजिएगा, अदरवाइज भाग जाइएगा। इसके ऊपर बल्कि नहीं, सॉरी इसको डिस्कस करते हुए लाइन हमारी ख़राब हो गई थी। जी GHNI के अंदर जो बाइंग के शौकीन नज़रात हैं उनके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। कौन सी पहले सुनाऊँ, अच्छी सुनाऊँ बुरी सुनाऊँ? बहरहाल अच्छी ये है कि ये बुलिश डायरेक्शन में मूव करना जो है वो अपनी कोशिशों के अंदर है, कोशिश कर रहा है कि बुलिश डायरेक्शन में अपनी मूव बना ले। लेकिन बुरी बात यह है कि स्टॉप लॉस जो है वो आपको इसका कोई रखना पड़ेगा 260 रुपये के रीजन के अंदर, और ख़ासतौर पर अगर इस रीटेस्ट से सक्सेसफुल होता है, स्टैंड लाइन के ब्रेकआउट के रीटेस्ट से सक्सेसफुल होता है तो फिर इसको लेके चलें, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा नुकसान कर सकता है आपका। चौधरी एहसन क्या हाल है, ठीक है वासलाम ओके। जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, रीटेस्ट का वेट कर लिया करें, समटाइम मार्केट में मोमेंटम इतना होता है कि वो रीटेस्ट करने ही नहीं देती, तो इसलिए थोड़ा देख वो भाल के चला करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वासलाम करम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। परवेज पैसे का बताइएगा,
PASL का। सर जी इससे छोटा शेयर कोई नहीं था मार्केट में? इससे छोटे भी हैं, दो दो चार चार पैसे वाले भी, अल्लाह ना लो यार कुछ। अच्छा जी, सो हम लोग कुछ प्लान इस तरह से कर रहे हैं कि एक फ्री सेशन रखें इस सैटरडे को, जिसके अंदर हम टेक्निकल की बातें करें। टेक्निकल हर बंदा अपने कैसे बना सकता है, अपने खुद से डिस्कस कैसे कर सकता है अपनी चीज़ें बना के, किस तरह। सलमान सिद्धू साहब ने ज्वाइन किया, वाह सलमान, सलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? वॉट अबाउट पार्क सुजुकी इफ वेंट अप टू 217 इन 2 to 3 days? हैं PSMC है यार, इतने लिक्विड स्टॉक भी खेलते हैं आप लोग। ओके, ये तो बड़ी साइंस तक खड़ा। बड़ी बड़ी शक्लों के साथ अगर किसी को मेरे देसी स्टाइल से थोड़ा सा वो मसला हो तो उनसे माजरत, बस आदि हूँ चीज़ों को लाइटली लेने का, इसलिए जो है वो इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ट्रेड्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो बंदे के पल्ले कुछ नहीं रहता। जी मुसफर भाई, मैं ज़रूर आपको रिस्पांस देता हूँ, मैं देख लेता हूँ आपका मैसेज आया हुआ। यहाँ में लोधी साहब कह रहे हैं GSKCH। अच्छा, जब तुम लोग आना शुरू हो तो मेरी बात हुई थी जनमन सच्ची गलते बोल बोल के, क्योंकि हमें तकरीबन घंटे से ज़्यादा हो गया बोलते हुए। बहरहाल कौन सा शेयर है? PSMC। PSMC पर्सनली स्पीकिंग 214 पे क्लोज हुआ है, और ये रीजन है भाई साहब का 222। जब तक 222 को नहीं तोड़ता, और अगर ना तोड़ सका तो ट्रेंड बहुत अच्छा खासा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जी ये थोड़ा सा। गफूर साहब कह रहे हैं जी TRG सेल कर, TRG का एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो हमारी PSMC है, 222 को अगर नहीं तोड़ सकता तो मेजर रेजिस्टेंट रीजन है, वो अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में से रखना शुरू कर देगा। ओवरऑल ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है इसका, तो थोड़ा क्योंकि बुलिंगर भी फ्लैट हो रहा है, मूविंग एवरेज बुलिंगर की जो है वो फ्लैट हो रही है, तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और जिन दोस्तों के आज सवाल के जवाब आप नहीं दे सका, उन लोगों से बहुत माजरत, कोशिश पूरी की कि आप सब लोगों को जो है वो जवाब दे सकूँ, जवाब दूँ, बट अगर किसी दोस्त को जवाब नहीं मिल सका तो उसके लिए माजरत। अब वो पंजाबी च कहना अपनी बस हो गई है, हम टाइम काफ़ी 77 मिनट्स से जो है वो हम लाइव हैं, तो काफ़ी बोला बाला। तो चाहते हुए कि याददाश्त एक रिमाइंडर कि अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब चाहता है तो वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब नहीं चाहता तो वो तुम्हें थका देगा उसी की चाह में जिसे तुम चाहते हो। लॉर्ड्स का सवाल रह गया था जी, लॉर्ड्स को डिस्कस कर ले रहे हैं। एक छोटी सी डिप के बाद इस लाइन की रिटेस्ट के बाद ये 22 रुपये को, सॉरी क्या रीजन आई है, 1975 को ट्राई करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए केयरफुली रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। कॉल रिचर्ड्स बे टेक्निकल एनालिसिस प्लीज़ जी, अभी दे देता हूँ आपको कॉल रिचर्ड बे। अब उसका सिंबल मुझे जहन में आ गया तो बात बननी है, नहीं तो कोई नहीं बननी। कोल आप बेसिकली मेरे ख्याल में सिमर सेक्टर के लिए उसको पूछना चाह रहे हैं। लेट्स मी ट्राई, मैं इसको ना जहाँ से इसके बड्डे रहते हैं वहाँ से इसको ढूंढ के ले आता हूँ, क्योंकि अभी मुझे वो मेरा सॉफ्टवेयर तो नहीं दिखा रहा, तो इसलिए हम इसको जहाँ से ये आता है वहाँ से देख के ले आते हैं, इसका चार्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, कोशिश करते हैं तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बेटा मैं लाइव हूँ, कोई बात काम है बाद में आओ, कितनी देर तक, 10-15 मिनट बाद आओ, कोई मजबूरी है, इमरजेंसी है?
अच्छा जी, मेटल्स में सीमेंट सेक्टर के लिए जो शरीफुद्दीन शरीफुन्नफ्स है, इसका क्या नाम है, कोल। चल बेटा तू खुल जा। बड़ी देर के बाद बंदा इस तरह वेबसाइट्स पे जाए तो चीज़ें भूल भाल जाती हैं। बारह मिनट में ट्राई कि मैं उसको ढूंढ सकूँ। अन्य वाह किस्म की जलालत हो गई है। डायरेक्ट चले जाते हैं। प्लीज़ सर जी, इसकी चीज़ रेजिस्टेंस का मैं बता जी, मैं अभी बता देता हूँ। सॉरी मैं जो है वो बता नहीं सका आपको। अरे भाई इंसान के बच्चों वाली एक आध हरकत भी नहीं है इसकी वेबसाइट की। अच्छी खासी चीज़ें इसके ऊपर सीधी सीधी होती थी। चलो यहाँ से जाके दूसरे वाले कॉल्स में घुस जाएंगे। ये API 2 है जो हमारे पास नहीं चलता। सर माशाल्लाह वेरी गुड सर, थैंक यू। सेटअप तो हम कितों देख गया। API 4444 इसने तो सही आसमान सर पे उठाया हुआ है। इसका मतलब है सिमट्स बेचारे क्या करेंगे, चिड़िया बेचारी क्या करेगी, ठंडा पानी पी मरेगी। पंजाबी कहते हैं पढ़ नहीं पाए यार, की करना है अपने छोटे मुंडे जुनेद। क्योंकि वजह ये है कि ये चीज़ें वो टाइम ले रही हैं खुलने 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 में। क्या जलालत है। जुनेद ओवरऑल ये जो है ना, इसका कोई 50% अपनी प्रीवियस मूव का कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इसकी इस मूव को देखें तो 61.8% इसने बल्कि कर ली है। तो इसी वजह से इसके पास ऊपर 87 ये 85 से लेकर 87 का रीजन जो है ये तगड़ी रेजिस्टेंस होगा। अगर आप इसके ऊपर जैसे जो है फिबोनाची फॉल भी करवा लेंगे तो ये 50-61% के रीजन के अंदर ही फॉल करेगी। ये रीजन वैसे भी इसके पास जो है 84 से 85 का रीजन तगड़ी रेजिस्टेंस है, तो यहीं पे इसकी करेक्शन भी कंप्लीट हो रही होगी।
ये लें जी, ओए मर जा तू लग जा ड्रामे के। 61.8% अपनी करेक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है, जो प्रीवियसली इसकी प्राइसेस ने $100 से बाउंस बैक किया था। तो वो कभी बिटकॉइन पे प्लीज एनालिसिस दें, वुड यू बी ग्रेट टू लिसन योर टेक्निकल एनालिसिस ऑन इट। सर मैं ना लोगों को उसमें खींचना घसीटना नहीं चाहता, लोगों को इन्वाइट नहीं करना चाहता, इसलिए माजरत, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात करता नहीं हूँ। लेकिन कभी वो कहते हैं अकेले में कहेंगे तो आपको एनालिसिस उसका जो है बना देंगे, कोई इशू नहीं है उसका भी। जाहिर सी बात है चल तो ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर ही रहा है ना, चार वैल्यूज़ के ऊपर ही रहा है, चार वैल्यूज़ पर चलने वाली किसी भी चीज़ का एनालिसिस जो है वो डेवलप किया जा सकता है। शाहनवाज भाई, शायद नवाज भाई ने ज्वाइन किया, इस्लाम कह रहे हैं इस्लाम शायद भाई, और कॉल हो गया। अच्छा जी एस के सी एच का एक कोई था एनालिसिस, सब लोग भाग गए, मैं अकेला जो है वो बैठा हुआ हूँ। GSKCH, फिर ये तो चीटिंग होती है, अपना अपना सवाल पूछते हैं और भाग जाते हैं। GSKCH जहाँ खड़ा हुआ है ये, इसके पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन है GS की, 269 रुपये 270 रुपये से ऊपर क्लोज कर जाए डेली चार्ट तो फिर ये बुलिश हो जाएगा टुवर्ड्स ये जो प्रीवियस लोज हैं इनकी तरफ ये वाले, और जब ये 279 की तरफ फिर ये चलना शुरू कर देगा, और जब ये 279 की तरफ जा रहा होगा तो तब इसके पास जो है वो ये पीछे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट उसी टाइम पर कहीं हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल मोमेंटम इसका एक्सपायरी के पास पास है, तो इसलिए ज़रा केयरफुली ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वो बिटकॉइन वाले भाई साहब किधर गए, बैठे हैं कि चले गए? दुआ करें खुल जाए, जो मैंने खोला भैया जी का ट्रेनिंग सेशन कब होगा? भैया जी का ट्रेनिंग सेशन सोच रहे हैं इस सैटरडे को रखते हैं, 3 से 4 घंटे का सेशन जो है, और आप लोग भी अपना ज़रूर जो है वो ओपिनियन शेयर करें कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके हवाले से जो है फिर इसका प्लानिंग भी कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए आपको इसका या शॉर्ट शॉर्ट वाला? 1 2 3 4 5 किया, ABC किया, 1 2 1 2 3 4 5 लगता है बिटकॉइन वाले भाई चले गए हैं, हम छोड़ देते हैं, हम क्यों करें। अच्छा जी BOP सर करेंटली PPL का एनालिसिस, लिटरली अहमद भाई अब वो कहते हैं ना कि जान ख़त्म हो रही है अपनी भी बैठ बैठ के और बेतुकी हांक हांक के। PPL के हवाले से अगर बात करूं तो PPL जो है ये इसके पास सपोर्टिव रीजन, जो तगड़े वाला सपोर्टिव रीजन है वो 85 रुपीज़ का। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए PPL लेना चाहें, गुलरेज अहमद हैं पूछ रहे हैं जी हैस्कॉल का बता दें, हैस्कॉल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो उसको वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कुछ आपको आपका जवाब मिल जाएगा। PPL को अगर लॉन्ग टर्म आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा 81 दो चंक्स बनाएं इसकी बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब साल डेढ़ साल दो साल के लिए लेना है तो पहला चंक इसका 85 से 81 के रीजन के अंदर बाइंग, और दूसरा चंक इसकी बाइंग जो है वो 78 से 75, या उसको आप 81 टू 78 कर लें, 77 कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि प्रीवियस लो अमेंड नहीं करेगा और अलबत्ता एक जो है नया हाई दे देगा। सर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? सर ये सॉफ्टवेयर है आइकॉन, राइटर्स आइकॉन है, महंगा है थोड़ा, वो हाउस के लिए लिया हुआ है, इसके लिए रिसर्च है उसके लिए, तो इसलिए हम भी बरत लेते हैं उसको, ठीक है। वैसे मैं प्रेफर मेटा स्टॉक ही करता हूँ, ये सेम रखिएगा, तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के लिए जो है ये यूज़ होता है, वैसे इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्मली ये यूज़ भी नहीं होता। अच्छा ओके, और उसके बाद आप बेतुकी नहीं हांकते जी भैया जी, अच्छा थैंक यू सर जी, इधर ही हैं कर
कड़क टी पी रहा था, अकेले पी रहा था और मुझे जो है वो लगा दिया था विड बाय यू एक्चुअली द थिंग इज यू विल एंजॉय डूइंग एनालिसिस योरसेल्फ द मार्केट बिहेवियर इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल माऊ भाई मैं इसको देख रहा होता हूँ मेरे लिए इसका कोई एनालिसिस कोई नई चीज़ इसमें नहीं होगी क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी देख रहा होता हूँ एनालाइज कर रहा होता हूँ तो मेरे नज़दीक उसमें कुछ नया नहीं होगा जो बंदा उसको बिल्कुल पहली दफ़ा देखता है उसके लिए तो वो चीज़ें नई हो सकती हैं बट जो इसको प्रीवियसली देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ भी नया है पर्सनली स्पीकिंग नया हाई पोस्ट हो सकता है इफ़ इट वुड सक्सीड इन क्लोजिंग वो अब ये भी इसका डेली चार्ट आर्ली पे आता तो ज़्यादा मज़ा आना था अगर आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि प्रीवियस हाई अमेंड करने दें तो फिर बाइंग कीजिएगा अदरवाइज नहीं कीजिएगा सर PRL और ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर के बारे में PRL डिस्कस कर चुका हूँ उसको वहाँ से देख लीजिएगा ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से फिर कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी रोज़ नहीं आ सकता उसके लिए माजरत कभी कभी आता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि अपने एनालिसिस खुद जो है वो देखा करें चीज़ों को खुद से इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देखना शुरू करें ताकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना रहे किसी से डिस्कस करने की तो बाकी हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है क्या इसको बोलते होते हैं हम ट्रेनिंग सेशन इस सैटरडे का रख रहे हैं जो लोग ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 03444557 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आप लोगों को जो है वो उसमें पार्टिसिपेशन मिल जाएगी आज के लिए इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा फ़ी अमानिल्लाह अला हाफिज़ दुआ करें मेरा सॉफ्टवेयर मुझे बंद करने लाइव बंद करने दे दे सीधा सीधा लैपटॉप ही ना बंद करना पड़े क्योंकि जितना ये चीज़ें ओवरलोडेड हुई पड़ी हैं सबसे पहले हम YouTube को रोकते हैं उसके बाद हम Facebook को रोकते हैं